जो फोन टेस्ट करने के लिए आया हुआ है ये बेस्ट कैमरा फोन हो सकता है, वो भी 20,000 के बजट में। लेकिन क्या सच में ये फोन है Realme का Realme 12 Plus 5G? क्या बात है, इसके तो नाम में ही प्लस है। इस फोन के स्पेक्स और प्राइस सुन के आपका माइंड होने वाला है। इसमें 120 हर्ट्ज AMOLED डिस्प्ले है, प्रीमियम सा वीगन लेदर डिजाइन है, एंड सबसे बड़ी बात सोनी का लाइट या 600 सेंसर है OIS के साथ, एक पावरफुल चिपसेट है जिसका एंड्रॉइड स्कोर 600,000 प्लस निकल के आया है। ये सब चीजें भाई 20,000 के अराउंड। व्हाट? यस, आपको तो पता नहीं भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस फोन को टेस्ट करने के लिए। मुझे क्यों तोड़ा? तोड़ नहीं रहा मेरा बच्चा, मैं प्यार कर रहा हूँ। चलो फटाफट से इसके अनबॉक्सिंग करते हैं। लेकिन एक सेकंड भाई, शुभ काम की शुरुआत करने से पहले जय जियो जय जियो जय जियो। आजकल हमारे मोटा भाई हर जगह छाए हुए भाई, इंस्टाग्राम खोलो अंबानी, फेसबुक खोलो अंबानी, यूट्यूब खोलो अंबानी, हर जगह अंबानी भाई। चलो भाई इसको फटाफट से खोल लेते हैं। टिपिकल सर Realme बॉक्स पैकेजिंग है यहाँ पर। यहाँ पे Realme 12 Plus 5G लिखा हुआ है, यहाँ पे Realme खुल जा सिम सिम। बॉक्स के अंदर एगर बॉक्स येलो कलर का, यहाँ लिखा हुआ भाई मेक इट रियल। भाई यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू द Realme फैमिली। अभी तो फोन लिया भी नहीं है, टेस्ट कर रहे हैं। ऊपर साइड में भाई सबसे पहले फोन दे रखा है और ये रहा हमारा फोन। ओ भाई साहब क्या फोन है भाई, डिजाइन के मामले में आप खुद देखो, मतलब भाई मैं तो फैन हो गया यार। खैर अभी बात करते हैं इसके बारे में और देखते भाई क्या है। एक बड़ा सा छेद दिख रहा है यहाँ पर, इसको निकालो। इसके अंदर 67 वाट सुपर वोक चार्जर है और भाई ये टाइप ए टू टाइप सी केबल। बाकी इसके अंदर ये सबसे जरूरी यंत्र, वो यंत्र फेवरेट है मेरा। बाकी ये कागज क्विक गाइड एंड ये भाई TPU केस भी दे रखा है, ठीक है क्वालिटी डिसेंट है। तो मेरी जो सबसे पहली नजर पड़ रही है भाई वो है इसके डिजाइन पे। यार सच बताऊ ना, मजाक नहीं कर रहा, मतलब आप पहली बार इस फोन को देखोगे, मैं देख रहा हूँ भाई, मतलब दिल खुश सा हो जाएगा भाई इसके डिजाइन को देख के। सीरियसली भाई देखने में बहुत ही लाइक प्रीमियम स्टाइलिश फोन लगता है ये। फ्रंट से इसका लुक कुछ ऐसा है, पंच होल डिजाइन है, बैक साइड में जो वीगन लेदर डिजाइन दे रखा है और यहाँ पर हल्की सी जो स्ट्रिप दे रखी है भाई, और ऊपर से जो कैमरा कटआउट है भाई एक वॉच का कटआउट की तरह लग रहा है। इतना मैं कह सकता हूँ भाई, अगर आप भी इस फोन को देखोगे हाथ पे लोगे, इन हैंड फील के मामले में, लुक के मामले में, डेफिनेटली आपको ये फोन पसंद आएगा। वैसे इसका जो फ्रेम है भाई ये बहुत चमक रहा है यार, मतलब शाइनी शाइनी फ्रेम है, हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है। ये जो कैमरा रिंग डिजाइन है ये डिजाइन बाय Realme स्टूडियो है। तो यहाँ पे देखा जाए फोन में Realme वालों ने डिजाइन पे काफी ज्यादा फोकस किया है। वैसे फोन देखने में पतला लगता है, 7.87 mm इसकी थिकनेस है और इसका वेट गेस करें 190 ग्राम 189 ग्राम इसके आसपास होना चाहिए। तो चलो यार कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं, देखते हैं सही निकलता हूँ या नहीं। भाई सही निकल जा, अरे यार फिर रह गया 2 नंबर से यार, 190 ग्राम बोला था, बट कोई नहीं एक दिन हम सही जरूर निकलेंगे। फ्रंट में 6.7 इंच की एक फुल HD प्लस अल्ट्रा स्मूथ 120 हर्ट्ज AMOLED स्क्रीन दे रखा है 1200 nits की पीक ब्राइटनेस के साथ। एंड एक चीज कहूंगा भाई मजाक से हटके, डिस्प्ले क्वालिटी देखने में सही में बहुत अच्छा लग रहा है यार। AMOLED है, ऊपर से पंच होल है। एक बार YouTube पे वीडियो प्ले करके देखते हैं भाई, तो YouTube अगर आप वीडियो प्ले करना चाहते हो क्या बात है भाई, 2160p पे आप वीडियो प्ले कर सकते हो, HDR10+ सर्टिफाइड है। लुक एट द क्वालिटी भाई, कलर्स देखो बहुत ही वाइब्रेंट है, डीप ब्लैक नोटिस हो रहे हैं। 91.4% का स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, तो बेजल्स वगैरह भी काफी कम है, साइड बेजल्स काफी मिनिमल है, इवन ऊपर भी काफी मिनिमल है, नीचे चिन की साइड में एवरेज बेजल्स आपको नोटिस होगा। तो जो लोग बहुत ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करते हैं, वीडियोस मूवीज वगैरह बहुत ज्यादा देखते हो, उनको इस फोन में एक्सपीरियंस बढ़िया मिलने वाला है, कोई इशू नहीं आएगी। बाकी 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, अंधेरे में देखो, बाहर देखो, अंदर देखो, हर जगह देखो, कहीं पे भी देखो, डिस्प्ले बहुत ही ब्राइट लगा मुझे, विजिबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एंड 120 हर्ट्ज पे भाई डिस्प्ले स्मूथ फील हो रहा है यार। वैसे इसमें प्रोटेक्शन कौन सी है पता नहीं, बट फिर भी एक बार गिराते हैं यार। 1 2 3 गियो 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 ठाकुर तो गियो नहीं गियो बच गियो भाई। सच्ची बताऊं तो जितनी तेज आवाज आई थी मुझे लगा गियो, बट नहीं गियो। वैसे इसमें अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है एंड भाई ये भी बढ़िया काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे नीचे की साइड में ये सिम स्लॉट दे रखा है, यहाँ पे ये माइक है, टाइप सी है, ये स्पीकर है, चेक करते हैं सिंगल है हमारी तरह फिर स्टीरियो भी। उससे पहले सिम स्लॉट चेक करते हैं, ओके हाइब्रिड सिम स्लॉट है। बाकी राइट हैंड में ये वॉल्यूम बटन मिल जाता है, पावर बटन है एंड ऊपर की साइड में नॉइस कैंसिलेशन है और ये स्पीकर है। ओ हो हो भाई गड्ढा है, सीरियसली 3.5 इंच का गड्ढा मिल रहा है भाई, दिल खुश हो जाता 3.5 इंच का गड्ढा देख के। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं है, प्लेन है एकदम। हाँ भाई स्टीरियो स्पीकर है, नाइस Realme। एक बार साउंड क्वालिटी टेस्ट करते हैं कि दम पे जो मारा तो
बचपन की यादें ताजा हो गई यार। ओके, स्पीकर के अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करता हूँ तो भाई सीरियसली साउंड क्वालिटी अच्छी लगी मुझे। स्टीरियो है, क्लियर है, सराउंड साउंड एक्सपीरियंस है और हाँ लाउड भी है। एक बार इसका हैप्टिक चेक करूं मैं, हैप्टिक मुझे अच्छा लगा यार। सॉफ्ट वाइब्रेशन है, टाइप वाइप करते हो, टच वच करते हो, फील होता है भाई। ये जो फोन आपको सिंगल रैम वेरियंट में मिलेगा, एक 8GB रैम 128GB स्टोरेज और एक 8GB 256GB स्टोरेज। जो रैम टाइप है वो LPDDR4X है और UFS स्टोरेज टाइप है। एक बार मल्टीटास्किंग चेक करते हैं, मैं सारे ऐप्स को क्लोज कर देता हूं। तो सबसे पहले नहीं, हर बार यही नहीं यार, कैमरा ओपन करते हैं। ठीक है, गैलरी ठीक है भाई, मतलब ऐप्स फास्ट ओपन हो रहे, लोड भी फास्ट हो रहा। देखो यूट्यूब जैसा हैवी ऐप भी, ठीक है ये मैसेज हो गया। एंड लास्ट में जरूरी चीज़ भाई क्रोम, ये देखो ये भी फास्ट ओपन हो रहा है देखा जाए तो। भाई मल्टीटास्किंग सही है, फास्ट है, मतलब ऐप्स वगैरह फास्ट लोड होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, स्मूथ एक्सपीरियंस है इसमें। बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो सोनी लाइटिया 600 सेंसर के साथ आता है विद OIS। एक है 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और दूसरा है 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस। और आगे की साइड में 16 मेगापिक्सल की बिंदी दे रखी है, मतलब सेल्फी। और ये सेगमेंट में भाई एक लौता फोन है जो आपको सोनी का लाइटिया 600 सेंसर दे रहा है, वो भी OIS के साथ। अब रियलमी वाले ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई ये एक क्लियर पोर्ट्रेट किंग है, तो चलो यारो मिलके टेस्ट करते हैं इसके कैमरे को। ओके, वैसे कैमरे में आपको 3 मोड मिल जाते हैं, मेन में 0.6 है, अल्ट्रा वाइड 1x है और एक ये 2x है। 2x में पोर्ट्रेट लेके देखेंगे पहले, अल्ट्रा वाइड है भाई, अल्ट्रा वाइड में एक फोटो लेते हैं और एक 1x में, पोर्ट्रेट में 2x लेके देखते हैं ये और एक ये 1x में। ओ यहां से आप फोकल लेंथ कम भी कर सकते हो, क्या बात है, काफी शार्प पोर्ट्रेट निकाला यार 2x पे। देखो अगर हम जूम करते हैं भाई, देखो डिटेल्स भी अच्छी दे रहा है, हालांकि सॉफ्ट कर देता है, पिक्सल्स फटते नहीं है, ये चीज अच्छा लगता है। स्किन टोन काफी नेचुरल रखने की कोशिश की है एंड एजेस भी ये बहुत बढ़िया डिटेक्ट कर ले रहा है। अल्ट्रा वाइड ठीक ठाक है भाई, डिसेंट सा है। जो मेन कैमरा है भाई इसमें दम है। एक सेल्फी लेते हैं, ये पोर्ट्रेट एक ये मेन, एंड सेल्फी नॉट बैड यार, हल्का सा अंडर एक्सपोज कर दिया है, इंडोर लाइटिंग कंडीशन की वजह से भी हो सकता है, हल्की सी सॉफ्टनेस आपको फील होती है सेल्फी में, एजेस पे अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है, हल्का सा बेटर हो सकता था बट ठीक है, ओवरऑल सेल्फी भी भाई अच्छी निकल के आती है। इसके अलावा इसके कैमरे को डिटेल में टेस्ट करने के लिए भाई हमने और भी ज्यादा फोटोज लिए, इससे बहुत सारे फोटोज लिए हैं इंडोर आउटडोर हर लाइटिंग कंडीशन में, और हमने ट्राई किया कि भाई कैमरा कैसा परफॉर्म करता है। ऑनेस्टली बताऊं, जब हमने इस फोन के कैमरे से फोटोज लिए उसके बाद में जाके हमने इसके स्क्रीन पे देखा भाई, वाव मजा आ गया। मतलब स्पेशली इनका जो 2x पोर्ट्रेट है उसमें आपको जो फोटो देखने को मिलता है, जैसे कलर्स देखने को मिलते हैं, बैकग्राउंड में जैसा डेप्थ देखने को मिलता है, जो शार्पनिंग है, जो स्किन टोन है, वाह मतलब मजा आ गया भाई। इसको कहते हैं असली कैमरा एक 20,000 के प्राइस पॉइंट पे। एंड जो सेल्फी है 16 मेगापिक्सल की, हालांकि कोई सेंसर नहीं है इसमें बट स्टिल उससे जो सेल्फी निकल के आते हैं भाई अच्छे निकल के आते हैं। हां हल्का सा आपको वो ब्यूटीफिकेशन वाला टच देखने को मिलेगा बट सेल्फी अच्छी आती है। एंड रियलमी ने इस बार एक और नया फीचर ऐड किया है, स्मार्ट इमेजिंग मोड। इससे क्या होता है ये देखो, अगर आपने कोई फोटो लिया भाई ऐसे लॉन्ग प्रेस करके इसका आप कटआउट निकाल सकते हो, ये देखो क्या बात है। इसके कैमरे से मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग भी दिखा देता हूं, ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इसके रियर कैमरे से रिकॉर्ड की गई है 4K 30fps पे, एंड वीडियोस भी अच्छे रिकॉर्ड कर लेता है, हालांकि EIS नहीं है 4K में बट स्टिल वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी मिल जाती है इस फोन के कैमरे से। परफॉर्मेंस के लिए MediaTek का Dimensity 7050 चिपसेट है, 6 nm वाला प्रोसेसर है ये। एंड जितने भी इस प्रोसेसर को टेस्ट किया है इस फोन में दूसरे फोन में, इस प्रोसेसर को मैं 20,000 के अराउंड एक पावरफुल प्रोसेसर बोलूंगा। रीजन देखो, इसमें ने Antutu रन करके देखा, 6 lakh+ Antutu स्कोर निकल के आया है भाई, जो एक भाई 20,000 के अराउंड स्मार्टफोन के लिए काफी सॉलिड स्कोर बोलूंगा मैं। एंड इसके थ्रॉटल भी फुली कंट्रोल्ड है, CPU थ्रॉटल परसेंटेज देखो 87% है, ग्राफ पूरा ग्रीन है, कोई हीटिंग इश्यू नहीं है। लेकिन भाई परफॉर्मेंस, हीटिंग, गर्मी कैसे पता चलेगी भाई, कैसे? ऑफ कोर्स पीरो गेम प्ले से। आई नो पीरो गेम प्ले के बहुत सारे फैन है, आप हो इसी बात पे जल्दी से वो जो नीचे लाइक बटन दिख रहा है दबा दो यार जल्दी से। पहले मैं आपको उसका ग्राफिक्स दिखा देता हूँ, ये देखो HDR अल्ट्रा है, अल्ट्रा HD नहीं है, स्मूथ पे एक्सट्रीम गेम प्ले है भाई, ग्राफिक्स तो बढ़िया दिख रहे हैं भाई। अरे दादा ये तो पीरो निकली भाई, एक दो को तो मानने पड़ेंगे आप, बेइज्जती हो रही है। ओए भाई ये तो भपेड़ दे रहे भाई, अगर आप गेम प्ले करना चाहते हो उसमें मस्त कर सकते हो, स्मूथ गेम प्ले, कोई ऐसा लैग नहीं है, एकदम मक्खन गेम प्ले चल रहा भाई। और इसको पूरा लेटा दिया, अरे लेटा दिया भाई, कौन लिटा दिया भाई उन्होंने तो पीरो मनोसारु को। ये देखो भाई जायरो रेस्पॉन्स काफी फास्ट है, देखो वैसे डिवाइस हल्का सा यहाँ पे साइड में स्क्रीन साइड में वार्म फील हो रहा है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसमें लार्ज वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम भी है, वैसे डिवाइस हीट वीट करेगा तो उसको कूल करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। ओवरऑल भाई परफॉर्मेंस मुझे इस फोन का बढ़िया लगा, लाइक अच्छी गेमिंग कर सकते हो 60fps पे आप। हाँ बस एक प्राइस अच्छे पे आ जाएगा, ये 20,000 के आसपास आता तो भाई मैं कहूंगा डेफिनेटली परफॉर्मेंस अच्छी है। 5000mAh की बैटरी है, 67W का सुपरबुक फास्ट चार्जर है, एंड हमने ये 67W का सुपरबुक फास्ट चार्जिंग टेस्ट कर रखा था,
फिर भी 50% 19-20 मिनट के आसपास चार्ज कर देगा और कंपनी भी इतना ही क्लेम करती है। बाकी अदर फीचर्स की बात करो तो भाई IP54 है, ऑल 5G बैंड है, डुअल बैंड वाईफाई सपोर्ट है एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.2 है। बाकी अगर हम सेटिंग में जाते हैं भाई, अबाउट में गए, भाई रियलमी का लेटेस्ट UI है Realme 5.0 एंड ये बेस है भाई Android 14 पे। एंड अगर आप UI में जाते हो तो भाई यस भाई ब्लॉटवेयर तो होते हैं रियलमी के फोन में, इसमें भी है, और अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हो तो दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। वैसे इसके साथ 2 साल का OS अपडेट और 3 साल का सिक्योरिटी मिलेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। सो ये था एक कंप्लीट Realme 12 प्लस 5G स्मार्टफोन। प्राइस की बात करूं तो प्राइस अभी फिलहाल मुझे पता नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसकी जो एक्जैक्टली प्राइस ऑफर वगैरह है, पर जहां तक मुझे लगता है भाई ये जो फोन है 20,000 के अंडर आ सकता है भाई, फिर 20,000 के अराउंड आ सकता है। और अगर मैं उस प्राइस के हिसाब से इस फोन को जज करूं ना, मैं बोलूंगा भाई ये एक सॉलिड फोन नजर आ रहा भाई, जितना भी हमने टेस्ट किया है। मतलब एक यूजर को एक फोन में जो कुछ चाहिए भाई वो सारी चीजें रियलमी वालों ने डाल दी है। ब्यूटीफुल सुपर AMOLED डिस्प्ले, एक बढ़िया कैमरा, एक अच्छी परफॉर्मेंस, बिग बैटरी, फास्ट चार्जर एंड ऑफ कोर्स एक प्रीमियम डिजाइन। ये तो सारी चीजें चाहिए होती है भाई एक फोन में, जो एक फोन को एक ऑलराउंडर कंप्लीट फोन बनाता है। बड़ा एक चीज है जो मुझे थोड़ा सा हटके फील हुआ इस फोन में, जितना भी हमने इस प्राइस ब्रैकेट में फोन को टेस्ट किया है, वो है कैमरा। जो इसका मेन कैमरा है सोनी लाइट 600 सेंसर OIS के साथ, वाओ भाई मजा आ गया। मतलब रियलमी वालों ने कहा है कि भाई इसका जो कैमरा है ये क्लियर पोर्ट्रेट मास्टर है, और जितना भी हमने टेस्ट किया भाई बेस्ड ऑन टेस्टिंग, आई थिंक मेरे ख्याल से इसको एक क्लियर पोर्ट्रेट मास्टर कहना शायद गलत नहीं होगा। आई एम इम्प्रेस्ड, मजाक नहीं कर रहा। हाँ, जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 2 मेगापिक्सल मैक्रो कैमरा है उससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करना, बड़ा जो मेन कैमरा भाई वो सॉलिड निकल के आता है। अगर ये फोन 20,000 के अंडर आ जाता है ना, आई थिंक मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन आप इसे बोल सकते हो। बस हाँ, रियलमी वाले थोड़ी सी प्राइसिंग अच्छी रख देना, मजा आ जाएगा भाई इस फोन को रेकमेंड करने में। एक सेकंड यार, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया, क्या कर रहे हो यार, जल्दी से लाइक कर दो और नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ भाई आपको ये फोन कैसा लगा, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ओपिनियन। बाकी वीडियो को फैला दो, शेयर कर दो, मिलता हूं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।